दोस्तों, एक दिन एक बेटा अपने पापा से जिंदगी की कीमत के बारे में पूछे। पापा ने तब डायरेक्टली उसका उत्तर देने के बजाय घर से एक पत्थर लाके बेटे की हाथ में दे के कहे, अब इसे बाजार में ले जाओ। कोई इसका अगर तुम्हें कीमत पूछे तो तुम अपने मुंह से कुछ भी ना कहकर सिर्फ अपनी दोनों उंगली दिखाना और दाम सुनने के बाद तुम उस पत्थर को लेके चले आना। पापा की ये बात सुनने के कुछ देर बाद बेटे ने बाजार चला गया। कुछ देर बाद एक औरत ने उनको कहा, इस पत्थर की आखिर कीमत कितना है? मैं इसको खरीद कर अपनी बगीचा में रखना चाहता हूं। तब उस लड़के ने कुछ भी ना कहकर अपनी दोनों उंगली दिखाया। तब उस औरत ने कहा, अच्छा तो 200 रुपए मैं जरूर लूंगी। तब बेटे ने दाम सुनने के बाद पापा की कहने के मुताबिक घर लौट आकर पापा को बोली, एक औरत ये लेना चाहती है, वो भी सिर्फ 200 रुपए में। तब पापा ने कहा, अब तुम ये लेकर एक जादूगर में ले जाओ। कोई अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो तुम पिछली बारों की तरह अपनी दोनों उंगली दिखाना। तब लड़के ने उस पत्थर को लेकर उस जादूगर की तरफ चल पड़े। तब वो पत्थर देखकर एक आदमी ने वो खरीदना चाहे। उस आदमी ने जब उस लड़के से उसकी कीमत के बारे में पूछे, तब उस लड़के ने अपनी दोनों उंगली दिखाई। तब उन्होंने वो दोनों उंगली देखने के बाद उसने कहा, ओ अच्छा तो 2000 रुपए। तब बेटे ने थोड़ा आश्चर्य हुआ और दौड़ते दौड़ते अपने बाप के पास आ पहुंचा और उनको उसकी कीमत के बारे में कहा। तब पापा ने कहा, अब तुम्हें इस पत्थर को लेकर और एक जगह पर जाना पड़ेगा और वो है एक बहुत ही कीमती पत्थर की दुकान में। उस दुकान में जाकर उसके मालिक को वो पत्थर दिखाना और अगर दुकान के मालिक कीमत पूछे तो पिछली दो बार की तरह ही इस बार भी अपनी दोनों उंगली को दिखाना। पापा के कहने के अनुसार बेटे ने भी पत्थर की दुकान में गए। तब दुकानदार ने देखकर कहा, ये तुम कहां से पाए? ये तो बहुत ही कीमती पत्थर में से एक है और इसकी मुझे सख्त जरूरत है, कितनी कीमत है इसकी? तब बेटे ने मुंह से कुछ भी ना कहकर अपनी दोनों उंगली दिखाया पिछली दो बार की तरह। तब दुकानदार ने कहा, अच्छा तो 2 लाख रुपए, नो प्रॉब्लम, मैं दूंगा तुम्हें 2 लाख रुपए। तब लड़के ने कुछ भी बोलने का भाषा खो बैठा। घर लौटकर खुश होके उसने अपने पापा को ये बात कही। पापा ने अब बेटे को कहा, बेटा अब क्या तुम अपनी जिंदगी की कीमत समझ पाए हो? खुद की कोई कीमत नहीं है ये सोचकर पूरी जिंदगी पार कर सकते हैं हम लोग। हम लोग खुल मिल सकते हैं उन सारे लोगों से जिनके पास शायद हमारी जिंदगी की कीमत भी ज्यादा नहीं है। किसी और के लिए दिल दुखा के दर्द झेल कर बर्बाद कर देते हैं अपनी जिंदगी को और जिंदगी की कीमती समय को, जो और कभी भी लौट कर नहीं आएगा। अतीत अतीत हो जाने के बावजूद बार बार उस अतीत के बारे में सोचकर हम लोग अपने वर्तमान को दर्द से भर देते हैं धीरे धीरे और भविष्य को भर देते हैं हताशा और निराशा से। जो हो गया सो हो गया, वो हिसाब करके क्या फायदा? और सामने का हिसाब तो केवल भगवान ही जानते हैं। खुद की वैल्यू अगर हम खुद ही नहीं जानते हैं तो फिर किसी और से अपनी वैल्यू आशा करना ही बेकार है। लेकिन दुनिया की हर एक इंसान कीमती पत्थर से भी बहुत ज्यादा कीमती है और इसीलिए इंसान को अपनी जिंदगी की कीमत उसे खुद को ही जानना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, कमेंट पे बताना वीडियो कैसा लगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।